2020 में कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लॉकडाउन जैसी चीजों से हमें गुजरना पड़ा था और ये कहा जा रहा था कि चीन ने ही कोरोना फैलाया, चीन के वुहान के लैब से ही कोरोना फैला था। अब एक बार फिर चीन में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और तेज बुखार। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी के लक्षण तेजी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि अस्पतालों में बेड मिलने मुश्किल हो गए हैं। अगर किसी क्लास के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं तो पूरी क्लास को रद्द किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सभी स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। चीन के जिस लियाओनिंग प्रांत में ये सब हो रहा है वो राजधानी बीजिंग से करीब 700 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ मामले जो है वो बीजिंग से भी देखने के लिए मिले हैं, लेकिन इस जगह पर बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। चीन के लोग इस रेशमी बीमारी के खौफ में जी रहे हैं। इसे काफी हद तक निमोनिया से मिलता जुलता भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा तेज है, जैसे कि कोरोना की थी। ये बीमारी खासतौर पर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। आशंका तो ये भी है कि कहीं तेजी से फैलती बीमारी किसी महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले, क्योंकि जो स्थिति इस समय चीन के लियाओनिंग में बन रही है, ऐसी स्थिति चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में बनी थी और ये दिन, ये महीना, ये साल कोई नहीं भूल सकता। और इस महामारी ने कोरोना नाम से जन्म ले लिया था। महामारी की आशंका ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया और यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी डरा कर रखा था। इस रेशमी बीमारी का पता चलने के बाद अब शक और ज्यादा बढ़ रहा है कि ये भी कोरोना की तरह किसी दवा के प्रयोग का नतीजा तो नहीं, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के कुछ स्टडी में ये बात सामने आई थी कि वुहान के लैब में हुए प्रयोग के बाद कोरोना फैला था। इन रिपोर्ट्स ने चीन के लिए दुनिया में अविश्वास को और बढ़ा दिया था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना के लिए कसूरवार ठहराया। उन्होंने धमकी भी दी थी कि चाइना को इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कहीं चीन में इस समय फैल रहा रेशमी निमोनिया चीन की प्रयोगशाला से तो नहीं निकला है। अब देखिए ये बीमारी की टाइमलाइन कैसे आई है वो जरा आपको बता देते हैं। 13 नवंबर 2023 इस दिन ही पहली बार लोगों को चीन की रेशमी बीमारी का पता चला। इस दिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बताया गया कि लियाओनिंग और बीजिंग में सांस से जुड़ी बीमारियों में इजाफा हो गया है। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद दुनिया भर में बीमारियों को लेकर काम करने वाली संस्था प्रोमोर ने 19 नवंबर को इस रेशमी बीमारी का खुलासा कर दिया। 22 नवंबर 2023 इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के रेशमी निमोनिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें WHO ने चीन से कहा कि वो इस बीमारी को लेकर विस्तृत जानकारी दे और लैब में टेस्ट के एक सैंपल के बारे में बताया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए 3 दिन हो गए हैं, अब तक चीन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में लगातार इस बात का रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि चीन लियाओनिंग में फैल रही इस बीमारी से पीड़ित बच्चे बीजिंग तक में भर्ती किए जा रहे हैं। करीब 1200 से ज्यादा बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अब चीन ने इस पर क्या सफाई दी है? इस रेशमी निमोनिया के फैलने के बाद चीन में बहस शुरू हो गई। चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग इसके पीछे एक वजह अचानक लॉकडाउन हटाने को भी मान रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय के कारण चीन के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, इसलिए फेफड़ों से संबंधित बीमारियां तेजी के साथ फैल रही है। बीमारी के कारणों को छिपाने के लिए चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। अब चीन ने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन ये किससे छिपा नहीं है कि वुहान में लैब टेस्टिंग के दौरान जो टेस्ट किए जा रहे थे, जो प्रयोग किए जा रहे थे, उसकी वजह से ही कोरोना आया था। और खुद अमेरिका ये कह चुका है अब वाकई ये कोई मामूली बीमारी है या मामूली बुखार है या फिर कोई प्रयोग है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चीन से सावधान होने की जरूरत है।